नमस्कार साथियों मैं तुल भारत और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम कक्षा छे की जो सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय तीन आरंभिक नगर के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने जो चैप्टर वन है और चैप्टर टू है क्या कब कहाँ और कैसे और आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमने ऑलरेडी लिखित रूप में कर चुके हैं और जो वो वीडियो है उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो बिना समय को व्यर्थ करें हम लोग शुरू करते हैं पुरातत्व कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था तो पहला प्रश्न है ये आपका लिखित रूप में और लिखित रूप में मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूँ देखिएगा तो उत्तर आपके सामने है आप देख सकते हैं कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था तो जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पे तो पहला जो पॉइंट है आप देखिए पहले लिखेंगे कि निम्नलिखित तथ्यों में से कपड़ों के उपयोग के विषय में पता चलता है पहला मोहनजोदड़ों से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले हैं मतलब मोहन से हमें कपड़ों के टुकड़े मिले हैं और वहाँ पे कहाँ पे चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं दूसरा पक्की मिट्टी तथा फ्रियोन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है और तीसरा मोहनजोदड़ो से एक कड़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है मतलब भैया एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली से पता लगता है कि हाँ वो उस समय जो कपड़े थे वो हुआ करते थे ठीक है क्योंकि उस मूर्ति ने एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं ठीक है ठीके? इस प्रकार से आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर तो देखिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सुमेल कीजिए अब सुमेल कीजिए क्या होता है आपको जैसे पता है पहले भी हमने किया है हमें मिलान करना है ठीक है कि कौन सी चीज कहाँ से आती थी उस समय के दौरान ठीक है क्योंकि सीधी सी बात है कोई चीज जहां पे होगी वो वहीं से आएगी जैसे आपको पता है कि नागपुर से भारत में संतरे हर जगह जाते हैं नासिक के अंगूर फेमस हैं महाराष्ट्र से और आम जो है वो उत्तर प्रदेश से बाकी जगहों पे भी जाते हैं गन्ना जो है उत्तर प्रदेश से बाकी जगहों पे जाता है तो जो चीजें ये मैंने आपके खाने खाने की चीजें बताई अभी आप देखिए मैं आपको यहाँ मिलान करते हैं तो तांबा जो है वो तांबा राजस्थान से आता था उस टाइम पे ठीक है तो आपको तांबा जो है वो राजस्थान पे मिला देना है उसके बाद सोना जो है वह कर्नाटक से मिला देना है सब लोगों ने रॉकी भाई वाली मूवी देखी है जिसमें कोल्ड कोलर गोल्ड फील्ड के बारे में बताया के जी की फुल फॉर्म ही है ये कोलर गोल्ड फील्ड ठीक है तो कोलर गोल्ड फील्ड का मतलब है कोलार सोने की जो क्षेत्र है वहां पे वो कर्नाटक के अंदर है अभी आप देखेंगे टिन जो है वह अफगानिस्तान से मिला दीजिए और बहुमूल्य पत्थर जो आते थे वह आते थे गुजरात से ठीक है तो बहुमूल्य पत्थर कहाँ से गुजरात से अभी आपको मैचिंग बन गई है अब आप ऐसे लिख सकते हैं मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा ताकि आप उसके आमने सामने आप आराम से लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके ठीक है तो ऐसे हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो वो है आप भी देखेंगे प्रश्न इसको भी हम साथ साथ करेंगे कि हड़प्पा के लोगों ने के लिए धातु लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे ये सब चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण थे ठीक है थीके? वीडियो का एंड तक जरूर देखना है वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा जिसके तहत आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको वो फॉलो भी करनी है ठीक है जो लोग भी फॉलो करते हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये ऐसी वीडियो आपको बार बार मिलती रहे देखिए आपके सामने है ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन था इसका उत्तर है तांबा राजस्थान सोना कर्नाटक तीन एक धातु होती है अफगानिस्तान और बहुमूल्य पत्थर गुजरात आप मैचिंग कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा ठीक है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अभी प्रश्न है ये वाला इसमें क्या लिखा है कि धातुएं ठीक है थीके? अड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन पहिया लेखन के लिए जो सामान समान वो और पहिया और हल क्यों जरूरी थे महत्वपूर्ण का अर्थ होता है क्यों जरूरी थे ठीक तो है तो धातुएं पुरातत्व विदो को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली पहले तो हमें ये बताना है ना कि वहां पे मिली है कोई चीज तभी तो महत्वपूर्ण हुई है अब आपके घर में अगर कॉपी किताब है इसका मतलब आपके लिए वो महत्वपूर्ण है तभी आपने उसको अपने घर में रखा हुआ है ऐसे ही धातुए पूरा को धातुओं की बनी हुई बहुत सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता में मिली उसके बाद में आप देखेंगे तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने और बर्तन बनाए जाते थे ठीक है तांबे और धातु का अर्थ लोहे से नहीं लेना आपको धातु मतलब मेटल ठीक है और मेटल में क्या है कांसे के औजार है तांबे का औजार है गहने बनते थे बर्तन बनते थे सोना और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे लेखन लेखन का कार्य लिपिक करते थे ठीक है लिपिक करते थे लिपिक जो लिखते थे वे मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच बे नहीं पाई है मतलब जो चीजें अभी हमें ढूंढने पे मिली नहीं है पहिया समान पहिया जो होता था वो समान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था ठीक है जो आज भी हम लोग करते हैं और यहाँ पे हल्की बात आ गई हल का प्रयोग किस लिए होता है आप सबको पता है खेतों में करते हैं ना हम हल्का प्रयोग तो खेतों को जोतने और बीजों की बोवाई के लिए किया जाता था ठीक है अब आओ चर्चा करें तो अगले जो प्रश्न है उसके लिए हम बात करेंगे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी मुश्किल नहीं है धातु मतलब जो मेटल थे सोना चांदी तांबे इससे औजार हथियार गहने बर्तन ये सब बनाते थे ठीक है लेखन लिखने के काम आती थी मोहरों पर लिखते थे पहिए से एक जगह से दूसरे जगह पर वाहन और भैया पहिया होगा तभी तो वाहन चलेगा हल किसान जो होते हैं खेतों में मतलब आज जो ऐसे इस्तेमाल करते हैं उस समय पर खेतों को जोतने के लिए क्या करते थे हल्का प्रयोग अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग इस अध्याय में पक्की मिट्टी टेरा कोटा से बने किसी खिलौने की सूची बनाओ सभी खिलौने की सूची बनाओ इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे तो उत्तर है पक्की मिट्टी पक्की मिट्टी टेरा कोटा ठीक है आपको याद रखना है जहां पे भी पक्की मिट्टी की बात आई इंग्लिश में उसको टेरा कोटा कहते हैं ठीक है तो कौन कौन से खिलौने मिले भैया खिलौना मिला गाड़ी का एक गुड़िया भी मिली ठीक है विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने जैसे याक बैल सुअर भैंस बालू ठीक है भालू ये सारे जानवरों के भी क्या मिले खिलौने मिले चिड़िया के आकार की सीटियां और हल भी मिला ठीक है खिलौना एक हल वो भी मिला शायद बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी आपको भी मेरे ख्याल से पसंद आई होगी आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं ठीक है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से खिलौने मिले थे लिखित रूप में है आप लिख लो वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे थ्री डॉट होंगे ऊपर ठीक है एक दो तीन बने हुए होते हैं कोने में उससे क्वालिटी थ्री सिक्सटी पे आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ठीक है हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़रूरी है हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर जरूर मिलेंगे तो इसको भी देखिए बाकी वीडियोस को भी देखिए ठीक है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं देखिए अभी हमने चौथा प्रश्न भी किया था टेराकोटा वाला मिट्टी पक्की मिट्टी के खिलौने अब हम पांचवा करेंगे कि हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो निशान लगाकर बताओ और छठा भी देखेंगे की हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है अपने उत्तर में कारण भी बताओ ठीक है दोनों करते हैं। देखो जी आप सब लोगों के लिए है यहाँ पे कि हड़प्पा के लोगों की भोजन की सामग्री क्योंकि हमने प्रश्न पांच करना है जिसमें हड़प्पा के लोगों की भोजन की सामग्री और आज हम क्या क्या खाते हैं, ये सब हमें निशान लगाने हैं ठीक है थीके? तो गेहूं जो चावल दाले मटर ये हड़प्पा में मिलता है गेहूं जो चावल दाल मटर तिल सरसों फल मछली और हिरण हिरण ठीक है अब ये देखिए कि टिक मार्क लगाने हैं जिस जिस पे मतलब आप भी जो चीजें खाते हैं गेहूं खाते हैं बिल्कुल खाते हैं गेहूं गेहूं की रोटी बनती है जो भी खाते हैं चावल भी खाते हैं दालें भी खाते हैं मटर भी खाते हैं तिल का तेल है सरसों का तेल है फल है मछली है लेकिन हम लोग हिरण नहीं खाते ठीक है वो लोग हिरन खाते थे ठीक है तो आप इसको आराम से लिख लो आपके सामने है बिल्कुल नोट डाउन कर लो कोई भी मुश्किल नहीं है प्रश्न सारे आसान है इसके प्रश्न प्रश्न छे हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्नता जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा अपने उत्तर में इसका कारण भी बताओ तो अंतर देखिए हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालक की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे मतलब जो हमने पहले पढ़ा था आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक जो दूसरा अध्याय है और उसके हमने क्वेश्चन आंसर भी करे उसमें भी हमने पढ़ा लेकिन हड़प्पा में आप देखेंगे कि हड़प्पा में ज्यादा जो पशुपालक की तुलना में अधिक प्रकार की फसलें मतलब उत्पादन करते थे ज्यादा फसल उगाई है हड़प्पा वालों ने ठीक है हड़प्पा का जो समय काल था और दूसरा जो था अंतर हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसान मतलब हड़प्पा से जो पहले के किसान की तुलना में विभिन्न उपकरण जैसे हल आदि का भी उपयोग करते थे मतलब अपनी खेती के लिए वह औजारों का उपयोग करते थे हल उदाहरण के लिए अर्थात हल ठीक है तो आगे चलते हैं हम और एक और है इसका कि हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादकों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे मतलब जो हड़प्पा के किसान थे वह अपना माल दूसरों को भी बेचते थे गाड़ियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते थे लेकिन जो इससे पहले के किसान थे इससे पहले के जो किसान थे वो ऐसा काम नहीं करते थे वो सिर्फ अपने खाने के लिए ही फसल उगाया करते थे कृषि करते थे ठीक है अभी क्या है कि अभी चलते हैं हम आगे चलते हैं तो साथियों प्रश्न भी हो गया हड़ापाई किसान और पशुपालक का जीवन क्या उन किसानों से भिन्नता जो हमने पहले पढ़े थे जो पहले पढ़े थे उनको हमने पूर्ववर्ती किसान लिखा है ठीक है पूर्ववर्ती किसान ठीक है थोड़ा पेन में दिक्कत है इसमें लगता है चल नहीं रहा स्क्रीन पे लेकिन ऐसा आप लोग को दिखा था ठीक है पूर्ववर्ती के साथ तो पहले लिखा हुआ है स्क्रीन पे पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं प्रश्न सात है अपने शहर या गाँव के तीन महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों में बनी है इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है अब देखिए अपने शहर या गाँव के तीन महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो आप दे सकते हो आप जो से शहर में रहते हो कोई लखनऊ में रहता है कोई रोहतक रहता है कोई भोपाल रहता है कोई बम्बई रहता है कोई जयपुर रहता है कोई उड़ीसा में रहता है हमारे बहुत सारे सभी अलग अलग विभिन्न विभिन्न जगहों पर रहते हैं बेंगलोर रहते हैं भोपाल रहते हैं हैदराबाद रहते हैं ठीक है चेन्नई में रहते हैं सारे जो भी छात्र जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वो वे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि उनके शहर में कौन सी तीन महत्वपूर्ण इमारतें हैं और इन इमारतों का उपयोग किस लिए होता है तो ये स्वयं करना है आपको क्योंकि सब लोगों का क्षेत्र अलग अलग है अगर कोई दिल्ली में है तो वो लाल किला कुतुब मिनार लिख सकता है लेकिन कोई आगरा में है तो वो ताजमहल लिखेगा कोई भोपाल में है तो भोपाल के जो इमारतें हैं उसके बारे में लिखेगा ठीक है सबकी अलग अलग इमारतें हैं और महत्वपूर्ण इमारतों का क्या महत्व है किस लिए है ये भी लिखना है प्रश्न आठ तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है क्या आपके इलाके में कोई पुरानी इमारत है या पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है ज्यादातर वही इन सब की देखभाल करता है पुरानी इमारतों की तो आप ये तो लिख सकते हो और पुरानी इमारतें कौन सी आपको खुद लिखनी है तो यहाँ पे देखिए चैप्टर जो है हमारा खत्म हो गया है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं ठीक है तो मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग सात हजार साल पहले हुआ करती थी और तब से इसका मतलब हमें साक्ष्य मिला है नगरों का आरंभ लगभग सैंतालीस साल पहले हुआ मतलब चार हजार सात सौ साल पहले ये हड़प्पा सभ्यता की भी बात है ठीक है हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग तीन हजार नौ सौ साल पहले उनतालीस सौ साल पहले हुई अन्य नगरों का विकास लगभग पच्चीस सौ साल पहले हुआ तो ये महत्वपूर्ण तिथि है एन सी आर टी की किताब की महत्वपूर्ण तिथि है आप जरूर लिखेगा आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी नगर शहर को कहते हैं नगर दुर्ग जो शहर का किला होता है वो है शासक राजा होता है लिपिक जो लिखते थे आ, मोहर जो आज भी मोहर चलती है आपने देखा होगा शिल्पकार जो नकाशी करते थे शिल्पकार आर्टिस्ट जो होते थे धातु आपको पता है धातु क्या होती है धातु मेटल ठीक है अलग अलग प्रकार के सोना चांदी कांसे तांबा विशेषज्ञ स्पेशलाइज जो होते हैं स्पेशलिस्ट जो होते हैं कच्चा माल कच्चा माल के लिए जो आपको पता ही है जो रॉ मटेरियल होता है किसी चीज के लिए हल जिससे हम जो किसान होते तो थे वह खेती करते थे जो पशुपालक थे और सिंचाई पानी जो डालते हैं हम खेतों में सिंचाई कहते हैं तो यहाँ पे उपयोगी शब्द के बारे में बात हो गई है और अब बारी ये कि हमने जो आपको बोला था कि अभी हम कोई आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे वो ये है कि सहज योग मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हैं पढ़ाई में मन ना लगना उसके दो तीन ही कारण होते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है और जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा दिमाग इधर से उधर भागता है और उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है और हमें याद करने की शक्ति भी कम हो जाती है तो हमारी याद करने की शक्ति अच्छी हो जाए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए हम एक जगह बैठ के थोड़ी देर अच्छे से पढ़ सके लिख सके उसके लिए कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो जाए इसलिए सहज योग मेडिटेशन के थ्रू आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं सहज योग मेडिटेशन बिल्कुल फ्री है हमेशा आपको आपके लिए और बहुत अच्छे आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं जीवन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तो उसके जो लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सहज ऑफ मेडिटेशन के जो बाकी वीडियोज़ है उसकी प्ले भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कीजिए जो भी अभिभावक छात्र शिक्षक देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा हम किसी और चैप्टर की वीडियो लेके आ सकते हैं वो जौन सी आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो अभी ये लिंक्स आएंगे इस लिंक को आप जरूर देखिए और उन यूट्यूब लिंक पे के थ्रू और वेबसाइट्स के लिंक के थ्रू आप योग मेडिटेशन कर सकते हैं तो आप जरूर ऐसे ही पढ़ते रहिए मस्त रहिए और ये लिंक्स आपके लिए हैं जो कि अभी स्क्रीन पर आएंगे ये लिंक आपके लिए